मिनट दो लोग और आ गए, उनको एंट्री के देते हैं। तो उसके बेनिफिट के लिए मैंने क्या किया, फटाफट मैंने कहा अभी निकलते हैं, और निकलने के बाद गया बाहर अच्छे से लगभग आधा किलोमीटर तक रन किया। रन करने से क्या होता है कि अभी टी शर्ट में पहना हुआ ना, तो आप सबको पता है ठंड तो थोड़ी बहुत है ही, तो जैसे रन किया अपने आप ठंड तो गायब हो गई। और उसके बाद फिर मैंने कहा अब सही है, फिर मैंने वॉक किया, एक्सरसाइज की, और फिर आपके पास सामने आ गया। तो एक बेनिफिट होता है अर्ली द मॉर्निंग उठने का, और ये तभी उठा जा सकता है जब वाई क्लियर हो। अब आपको टेंशन नहीं होगी क्योंकि आपका वाई क्लियर है कि आपका लेक्चर है, तो आपको उठना आपकी मजबूरी है, तो इससे आपका दिन भी बहुत बड़ा दिखेगा। अदरवाइज मैं खुद बता रहा हूँ, मैं 7:30 उठता था, कभी 8 उठता था, और ये टाइम उठना मुझे पसंद नहीं है, और कोई वर्क नहीं था मॉर्निंग में, तो मैं कहता आराम से उठेंगे। ठीक है चलो, तो एक्चुअली हम लोग का क्लास तो कल से स्टार्ट है, तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग लाइक कि यार कल से जो क्लास स्टार्ट होने वाला है उसको कैसे करने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, दैट आई कैन टेल यू। ठीक है, वो मैं आपको बता दूँ, सो दैट कि आपको कल कुछ समस्या ना हो, मॉर्निंग में आप आराम से आइए लेक्चर में और तुरंत अटेंड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर चैट बॉक्स है, बीच में कुछ मैसेज करना रहेगा तो उस चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, बाकी बाद में आपको टाइम मिलेगा, आप एक एक डाउट जितने डीप चाहो उतने डाउट पूछ सकते हो आप। पहले मैं आपको थोड़ा सा वर्किंग प्रोसेस बता देता हूँ, क्या बोलते हैं अपने गुरुकुल में कैसे कैसे क्या क्या रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जो आपको करना है, ठीक है, क्योंकि उससे ही आपका सब कुछ होने वाला है। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज, अभी गुरुकुल में क्या होता है, गुरुकुल में आपको डेली बेसिस पे, ठीक है, डेली बेसिस पे आपको मैं स्टार्टिंग में, पहले तो देखो कुछ लोग थोड़ा सा विलम्ब हो रहे हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे ये इन्होंने कैंपेन मोड ऑन कर लिया प्रमोद, आप लिफ्ट करके फिर से आ जाओ प्रमोद, आपका रबर लॉग इन हो गया हो। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में क्या करने वाले, पहले तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, रिलेटेड टू ऑटोकैड कॉन्सेप्ट, तो पहला ऑटोकैड चलेगा। ऑटोकैड को आप जितना, मुझे पता है आपको ऑटोकैड आता है, बट आप बिलीव करिए जब मेरा ऑटोकैड आप पढ़ेंगे जो मैं पढ़ाऊंगा, तो आप बोलेंगे सर ये तो नया था, ठीक है, क्योंकि इसमें जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड है वो हम लोग बताएंगे। ठीक है, और इसलिए क्या बोलते हैं, देखिए अभी हम लोग दो लोग अभी और भी एब्सेंट है, 24 मतलब एक तो मैं ही हूँ, तो 23 आ गए हैं। तो क्या बोलते हैं, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला चीज़ क्या करना है कि जो मैं टास्क दूँ, मतलब पहले तो जो पढ़ाऊँगा वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद मैं आपको टास्क दूंगा जिस टास्क को आपको एवरी डे सबमिट करना है। और सबसे बड़ी चीज़ पहले से आपको बता दूँ, ठीक है, जिससे ना हो पाए पहले सोच लेना, 80% अटेंडेंस कंपल्सरी है। आप जिस ऐप में क्लास लोगे कल से, वो ऐप में सब डिडक्ट होता है, आपकी अटेंडेंस ही पूरे क्या बोलते हैं 4 महीने की मैं एक साथ निकाल सकता हूँ, उसमें परसेंटेज कितने आपके अटेंडेंस के हैं वो भी आ जाएगा। तो मुझे बाद में कोई ये नहीं बोलेगा कि सर मुझे इंटर्नशिप का लेटर आपने नहीं दिया, तो इंटर्नशिप लेटर इसलिए नहीं दिया दोस्त क्योंकि आपका 80% अटेंडेंस नहीं हुआ और 80% टास्क नहीं हुआ। अब बोलो सर ये तो गलत बात है, क्या बोलते हैं, मैं 80% अटेंडेंस नहीं दे पाया तो मुझे सर्टिफिकेट ही नहीं देंगे, नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि 80% अटेंडेंस अगर नहीं होगा, ठीक है, गुरुकुल की एक इमेज है मार्केट के अंदर, अभी थोड़ा सा अच्छा इमेज बन रहा है, आपके ही सीनियर्स ने बनाया हुआ है, तो अगर मैं सपोज गौरव बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, होप्सो गौरव बहुत अच्छा करें, पर सपोज नहीं कर रहे हैं, और ये गए बाहर और उन्होंने बताया कि मैंने गुरुकुल से ये इंटर्नशिप किया हुआ है, तो बोलेंगे क्या सीखा है आपने इस इंटर्नशिप में। कभी भी आप बोलो किसी से कि आपको ऑटोकैड आता है, तो बोले मतलब सपोज मैं अगर आप पूछता हूँ कि बताइए क्या बोलते हैं नदीम, आपको ऑटोकैड आता है, तो नदीम बोलेगी यस सर मैंने यहाँ से सीखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ क्या बोलते हैं नदीम, मैंने यहाँ से सीखा हुआ है, तो जिस जहाँ से सीखा है उस जगह का लोगो सबसे पहले आ जाता है, उससे थोड़ा सा इमेज खराब होता है, और आई वॉन्ट कि आपका और मेरा दोनों का ही इमेज अच्छा रहे। ठीक है, प्लेसमेंट का बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्यों, क्योंकि बीम के अंदर आज के टाइम पे प्लेसमेंट की कमी है ही नहीं। ठीक है, प्लेसमेंट भर भर के है, जिसके पास क्या बोलते हैं स्किल है उसके पास हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि बाहर जाओ तो आप बोलो कि मैंने गुरुकुल से सीखा हुआ, तो बोले कि हाँ यार वहाँ से जो बंदे आते हैं ना वो बढ़िया काम करते हैं। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोलो तो 4 महीने के लिए बहुत मेहनत कराने वाला हूँ आपसे, PPTs बनाएंगे, आप खुद प्रेजेंट करेंगे टॉपिक के बारे में, आप प्रोजेक्ट्स करेंगे। ठीक है, आपका मॉक इंटरव्यू तो होगा ही होगा, कैट टेस्ट होगा, कैट टेस्ट में आपको ड्राइंग मिलेगी, टाइम मिलेगा, उस टाइम के अंदर आपको कैट टेस्ट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये ऑल अबाउट क्या बोलते हैं, एक होती थी ना हम लोग, पता नहीं आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा कि नहीं, फिजिकल एजुकेशन की किताब होती थी,
तो जो फिजिकल एजुकेशन की किताब होती थी वो तो किताब होती थी ना, तो उसके रूप में हमारे पास वीडियो कोर्स है, ठीक है, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन उस किताब से तो सीधी सीधी बात है कोई फायदा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उस किताब में को पढ़ लिया, उस तरीके का एक्सरसाइज भी तो करना जरूरी है ना। तो एक्सरसाइज करेंगे इस गुरुकुल प्रोग्राम के अंदर, मतलब किताब में लिखा था कि एप्स ऐसे बनाना है, ठीक है, सिक्स पैक ऐसे बनाना है, वो रूल था, यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे गुरुकुल में, यही कॉन्सेप्ट है अपने गुरुकुल का। काफी लोगों को पता है, मुझे पता है, पर जो नए लोग हैं उनके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को करोगे। मैं आपको सबमिशन ड्राइंग भी सिखाऊंगा, वर्किंग ड्राइंग भी सिखाऊंगा, कैसे प्रोफेशनली ड्राइंग सबमिट करना है, जीए ड्राइंग्स और या फिर सिंगल पार्ट ड्राइंग, हर तरीके की ड्राइंग्स के बारे में सब एक्सप्लेन करूंगा आपको, और साथ ही साथ वो सब आप बना के भी लाओगे। तो इसका 3 पार्ट में पूरा टास्क रहेगा। फर्स्ट 30 मिनट्स में मैं आपको क्लासेस एक्सप्लेन करूंगा कि आज हम लोग सपोज बिल्डिंग में लॉ पढ़ रहे हैं, रेरा पढ़ रहे हैं या फिर एफएसआई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट 30 मिनट मेरे लिए रहेगा। वो टॉपिक्स मैं कवर करूंगा जो इंटरव्यू में पूछते हैं फेस टू फेस राउंड में, क्योंकि सबसे टफ राउंड वही होता है। ओके, नेक्स्ट 30 मिनट जो होगा उसमें मैं एवरी डे फॉर एवरी पर्सन आपका मेल चेक करूंगा कि आपने क्या बनाया है, ठीक है, क्योंकि मैं डेली आपको टास्क दूंगा, कल भी टास्क दूंगा, परसों भी टास्क, मतलब एवरी डे मंडे टू फ्राइडे, तो टास्क आपका मैं एवरी डे चेक करूंगा। उस टास्क में कोई करेक्शन है, कुछ नहीं कर पा रहे हो, आई विल हेल्प यू, मैं आपका हेल्प करूंगा। लेकिन हेल्प के लिए याद रखना, मैं हेल्प उन्हीं लोगों की करता हूँ जो लोग प्रॉपर असाइनमेंट्स करते हैं, ठीक है। सीधी सीधी बात है कि अगर आप कभी असाइनमेंट्स नहीं कर रहे हैं तो हमें भी लगेगा ना यार कि मेरा टाइम भी जाया हो रहा है उस चीज़ को लेके ना, तो मैं चाहूँगा कि आप असाइनमेंट्स और क्या बोलते हैं लेक्चर्स में कंसिस्टेंसी जरूर दिखाना, ठीक है। मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत अपने लाइफ में कर पाया हूँ, इसका सबसे बड़ा श्रेय मेरा का नहीं है, मेरे टैलेंट का बिल्कुल नहीं है, ये मेरी कंसिस्टेंसी का है। तो मैं उसी की प्रैक्टिस के लिए एक पूरा गुरुकुल प्रोग्राम हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है और बहुत इफेक्टिव है। तो 30 मिनट में क्या रहेगा, एवरी डे आप टास्क करके आओगे, मैं चेक करूंगा, जो गलतियां रहेंगी उसी समय मैं करेक्ट कर दूंगा। उसके बाद जो लास्ट का 30 मिनट रहेगा, जो लास्ट का 30 मिनट रहेगा, उस 30 मिनट को मैं आपको दूंगा, ठीक है। और वो 30 मिनट जरूरी नहीं है, ठीक है, आप मेरे से लेना चाहो 1 घंटा ले लेना, ठीक है, लेना चाहो 2 घंटा ले लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उस 30 मिनट में आपके खुद के डाउट्स रहेंगे, वो डाउट कौन से रहेंगे, सपोज मैंने आज आपको ऑटोकैड का लेक्चर नंबर 1 और 2 दिया वॉच करने के लिए, ठीक है। अब सीधी सीधी बात है, जो उसमें जो उसने बताया है उसको फिर से बताने का कोई सेंस तो बनता नहीं, उसको वॉच किया, जो डाउट आया, आप एवरी डे जैसे मैं नोट्स बनाता हूँ ऐसे ही आप हैबिट बना लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए कि ये चीज़ें सर से पूछनी है, तुरंत क्लियर कर लीजिए एट अ टाइम। और अच्छी बात बताऊँ क्या, कि आपको डाउट बहुत कम आएंगे। रीज़न रीज़न ये है कि आप लोगों ने ऑटोकैड तो पढ़ा होगा अपने ऑल इन वन में, तो देखा ही होगा कैसा एकदम स्मूथ वाला चीज़ है। फिर भी आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ भी, लास्ट 30 मिनट में आपका रहेगा, 30 मिनट ले लीजिए, 45 मिनट ले लीजिए, 1 घंटा भी लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल प्रोग्राम है, और सबसे बड़ी बात यह है जो हम डेली करेंगे उसको एक्सेल शीट में लिखते जाएंगे। क्या करेंगे, एक्सेल शीट में उसका फॉर्मेट आपको दे दूंगा, उससे क्या होगा, ठीक है, सपोज आपने कल 1 तारीख है, 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक आपने क्या सीखा, सच बताऊँ ना तो आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा हुआ है पीछे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग को रिमाइंड करो, बहुत कुछ सीखा हुआ है, आप बोलोगे यस सर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप उन्हीं सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करो जस्ट 2-3 घंटे के लिए, बिलीव करो मुश्किल से 20-25 मिनट के बाद सोचोगे अब क्या एक्सप्लेन करो, ऐसा आप नहीं मेरे साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है पता है क्यों, क्योंकि हमने इतनी चीज़ें आपने 4 साल पढ़ी है, मैं 4 साल की पढ़ाई को अगर बोलूँ कि आप 4 घंटे एक्सप्लेन कर दो, बिलीव करो बहुत रेयर कोई होगा जो 4 घंटे एक्सप्लेन कर पाए कंटिन्यू, ठीक है, ऐसा होता है, मैंने प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। तो उस चीज़ को इसलिए हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो चीज़ हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठाए ही नहीं है। अब वो लोग सर ये सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड मतलब एक तो होता है आपका नॉर्मल माइंड जिसे हम लोगों ने पेपर के लिए पढ़ा था, रात को स्टडी किया एकदम फोकस होके, सुबह गए पेपर दे दिए, उसके बाद हम भी भूल गए, वो भी भूल गया, मतलब पेपर भूल गया हम एक तरीके से। तो ये क्या था, आपके नॉर्मल माइंड में जो आपका फ्रंट ऑफ द माइंड है, इससे आपने जस्ट पढ़ा और उसके बाद आप जाके पेपर दे दिए। हमें चीज़ों को सबकॉन्शियस लेके जाना है। सबकॉन्शियस मतलब आपको अगर मैं बोलूं कि आपका जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, उस इंजीनियरिंग कॉलेज से आपका जो घर या हॉस्टल था या फिर जो जो भी जहाँ रहते रहेंगे वहाँ तक का रास्ता क्या आपने भूला है क्या,
हम बोलोगे सर क्या बात करते हो, हमें तो ये भी याद है कि वहाँ पर जो गमला रखा था वो रेड कलर का रखा हुआ था, ठीक है, हमें तो ये भी याद है कि वहाँ पर एक अशोक का पेड़ था, हमें तो ये भी याद है कि वहाँ पर जो प्यून था उसका चेहरा कैसा था, सब कुछ याद होगा। रीज़न पता है क्या है? रीज़न ये है कि डेली हम जाते थे, डेली हम आते थे, तो हमारे क्या हो गया था, सबकॉन्शियस माइंड में आ गया था। मैं ये पानी मेरे पास अभी रखा हुआ है तो मैं क्या इस पानी को पीने के लिए सोचूंगा क्या कि पानी पीना कैसे है, सोचने की क्या जरूरत है, ऐसे पी लूंगा। ये क्या था, मैंने पी लिया क्योंकि मुझे पता है कि ये सबकॉन्शियस माइंड मेरे सेट हो चुका है बचपन से कि ऐसे पीना होता है पानी को। तो ऐसे ही हमें अपने गुरुकुल के जो भी सिलेबस है, क्योंकि ये सिलेबस सफिशियंट है मार्केट के लिए तो मेरी गारंटी है, तो जो भी सिलेबस है इसका एक्सेल शीट बनाएंगे और उस एक्सेल शीट में डेली अपडेट करेंगे। तो जब आप डे टू का जब असाइनमेंट वहाँ पर अपडेट करने जाओगे तो आपको दिखेगा टेबल में हमने ये पढ़ा था, फिर डे थ्री में जाओगे पीछे का 2 दिन का दिखेगा, डे फोर में जाओगे उसके पीछे का 2 दिन दिखेगा, मतलब ऊपर से नीचे तक जब आते जाओगे डेली एक्सेल शीट में तो आपको पूरा का पूरा रिवाइज होता जाएगा, ठीक है। और दूसरी मजेदार चीज जो है वो ये है, जिसे मैंने फ्राइडे को बोला कि आपका मौके होगा, अब क्या होगा, आपको फ्राइडे को मौके के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपके पास एक्सेल शीट है, आपने टॉपिक्स के नाम देख लिए, ये टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके, फटाफट क्विक रिवीजन खत्म, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब हर वीक आप उस चीज़ को रिवीजन करोगे अपने सिलेबस को तो 100% है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा। यहाँ पर लगभग हम लोग पूरा का पूरा अगर मैं बताऊँ तो 5 घंटे का अप्रॉक्स डेली का वर्क रहेगा अपना, तो 5 घंटे के हिसाब से एक महीने का होता है 150 घंटे, मोटा मोटा 600 घंटे के आसपास हम लोग पढ़ने वाले हैं। 600 घंटे में से अगर 60 घंटे आपने केवल यहाँ बैठा दिया, बिलीव करिए इंटरव्यू क्रैक होना बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है। इंटरव्यू तो बहुत एक हम लोग 10-15-20-25-30 हज़ार की नौकरी सर्च करें तो बहुत छोटी चीज़ है, इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैंने बता दिया आपको, एक्सेल शीट डेली सबमिट नहीं करनी है, सबमिट करना है फ्राइडे को, मैं बोल दूंगा कि इस दिन करना है, बट आप अपडेट डेली करिएगा। और दूसरी चीज 80% अटेंडेंस तो फिक्स है कि आपको करना ही करना है, और असाइनमेंट्स में कोताही मत करना क्योंकि वही आपको बनाएगा और उसी में आप डाउन हो सकते हैं, ठीक है। डाउन इन द सेंस कि एक दिन आप करेंगे, बिलीव करिए अभी मैं क्या बोलते हैं 3 दिन से थोड़ा सा अपने हेल्थ पे वर्क कर रहा हूँ, करना था मुझे फरवरी में, 1 फरवरी से, पर मेरी आदत है कि जो चीज़ 1 फरवरी से करनी है क्यों ना थोड़ा पहले से हैबिट बना लो उस चीज़ को लेके। जैसे अभी कल क्लास लेनी है, मैंने सोचा आज फ्री तो है, आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे जो लगेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेता हूँ उस चीज़ के रिलेटेड, और आपके सामने आ गया। तो मैं 3 दिन से जा रहा हूँ, फर्स्ट डे गया था दोनों पैर ऐसा जाम हुआ था कि मतलब ऐसे पैर पर कोई हाथ भी लग जा रही, मतलब हालत ख़राब हो जाती थी। कल गया फिर से रनिंग किया, फिर से वार्म अप किया, फिर से एक्सरसाइज किया, नॉर्मल हुआ थोड़ा सा, आज और नॉर्मल हो गया, मुझे पता है कल से प्रैक्टिस हो जाएगी मेरी, ठीक है। यही प्रैक्टिस आपके साथ होगी, एक दिन असाइनमेंट बनाओगे बहुत अच्छा लगेगा, 2 दिन बनाओगे अच्छा लगेगा, 3रे दिन आप उबने लगोगे, वही टाइम है जब ये डिसाइड होगा कि आप इधर वाले हो, मतलब ऊपर जाने वाले हो या फिर नॉर्मल होने वाले हो, ठीक है। चलिए तो अभी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम लोग करते हैं, ठीक है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन क्यों करते हैं, जिससे कि हमें ये आइडिया रहे कि हमें किस पर्सन पे कितना वर्क कर दें कि उसका काम हो जाए, ठीक है। तो एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन में जस्ट आपको क्या बताना है, योर नेम, और उसके बाद आपका पास आउट ईयर, ठीक है, और आपके पास कोई स्किल है क्या। कुछ वो लोग, मुझे पता है कुछ लोगों ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बाहर से सीखा होगा, अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ बता देना कि ये चीज़ मैंने सर थोड़ी सी स्किल मेरे ऐड है, तो क्या होगा कि मान लो कोई ऐसी ओपनिंग आई जिसमें आपकी वो स्किल्स यूज आ रही है तो मैं वो ओपनिंग्स आपके साथ शेयर कर सकूं, ठीक है। उसके लिए हमें आपका स्किल जानना है, पास आउट ईयर जानना है, और एक्सपीरियंस है तो कितने साल के, किस प्रोफाइल में है, ठीक है। शॉर्ट में बताना, सपोज नदीम ने बताया तो नदीम ने बोला माय नेम इज नदीम, और उसके बाद नदीम ने जस्ट उसके बाद बोला कि मेरा पास आउट ईयर जो है 2017, और उसके बाद बोला इन्होंने कि मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है साइट का, बस हो गया। कोशिश करो कि इंग्लिश में बोलोगे तो मच बेटर, कि माई सेल्फ नदीम एंड आई एम पास आउट ऑफ 2017 ईयर एंड लाइक आई हैव अ 2 ईयर और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन साइट इंजीनियरिंग एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एस्टिमेशन मे बी, ठीक है। बस इतना करना, उसके बाद थैंक यू, इतना कर लोगे ना तो हमारे पास एक डाटा आ जाता है कि अप्रॉक्स हम लोग अभी एग्जैक्टली कितना कितना वर्क करेंगे, फिर हम लोग आपसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, अगर मैं किसी का नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया तो दिल पे मत लेना, कोशिश यही करूँगा कि सही प्रोनाउंस करूँगा, मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, समझ सकते हो, ठीक है। अभय, ऑन योर माइक एंड जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद अभय। हेलो हेलो, हाय, मायसेल्फ अभय कुंभार, I have 2 years, 1 year of experience from site
एंड 7 months ऑफ एक्सपीरियंस इन इंटीरियर डिजाइनिंग. ओके एंड योर पासवर्ड ईयर पास आउट ईयर इज 2021. 2021. And right now you are in interior, right? What? Right now you are doing in interior or job left कर दिया है? Interior, interior. अभी कर रहे हो, right? Okay. Yes. Good. Very good. Okay. And you looking for the job in which city, like कहाँ पर देख रहे हो, या all over India, या फिर कहाँ पर देख रहे हो? Yeah, I'm okay with Pan India. Okay, but you looking for the Maharashtra first? Yes, yes, yes. In Pune? Yeah, in Pune also. ओके थैंक यू. नाउ थैंक अक्षय. यू सर. ओके अक्षय ऑन योर माइक प्लीज. अक्षय ओके मे बी ओके. हेलो यस अक्षय जस्ट इंट्रोड्यूस सर. माय सेल्फ अक्षय देनगर. ओके आई एम लिविंग इन पुणे. ओके सर माय पासिंग ईयर सर 2021. 21 सर. वन 1.5 ईयर सर experience sir, site engineer. Very good. And any skills you have? No sir, skills. Okay, thank you. AutoCAD. AutoCAD only, just introductions of that, right? Okay. Yes sir. Okay, thank you Akshay. Now Amit on your okay, mic. Sir. Okay. Amit on your mic. Yes sir. Yes sir. Amit, like introduce yourself. My name is Amit Vishnu sir. Okay. Password year 2021. Okay. And experience in experience you have? No sir. Okay, no issue. And you have any skills, technical skills? No, basic AutoCAD I think. Okay, basic AutoCAD. Okay. And you looking job for in which cities or any like pan India kya hai apka? Maharashtra sir. Okay, MH. Okay, thank you. Ankit Lohit. Good morning sir. Good morning. Good morning. Ankit, myself Ankit. Yeah, continue please. Myself Ankit Lohit. My pass out year is 2021. Okay. I work as a supervisor in 2020, 1 year. Then I work as site engineer. Then I work as billing engineer. Okay, billing may be counted. Okay. From last how many years? 1 year, 1 6 month. One each. Okay, one. Okay, great. सुपरवाइजर तो तुम्हारा जुड़ने वाला नहीं है, ठीक है? और क्या बोलते हैं, सुपरवाइजर तो नहीं जुड़ेगा क्योंकि 2021 से पास आउट हो, ठीक है? तो 21 से इंक्लूड किया करो. नेक्स्ट टाइम याद रखो. इंट्रोडक्शन कैसे देना मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए याद रखो 2021 जब से हमारे पास हुए हैं तब से हमको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? एंड तुम क्या बोलते हैं, पुणे में ही देख रहे हो या कहीं और देख रहे हो प्रोफाइल जॉब? मुंबई, पुणे, एनीवेयर इन द वर्ल्ड. अरे वाह क्या बात है, वर्ल्ड, ठीक है. Myself Ankit Singh and I am passed out from 2018 from SRM University. And I, okay. Yes, yeah, currently I am working with Vinayak Enterprises. From last 3.3 years. 3.3 years. Are you working as a site engineer? Yes, sir. Okay. Okay. You are getting 25+. Sorry, sir. You are getting salary across 25+. Yes, sir. Okay. Okay. And are you looking job in which location? Sir, all over India. Okay. Thank you. Good. And basically from? UP. UP where? Azamgarh. Okay. Sir, currently I am residing in Ghaziabad. Okay, you are in Ghaziabad. So you're looking Noida and Delhi will be good for you easily. You can go for it. Yes, sir. Okay. Thank you. Okay. Athar, on your mic. Yes, sir. I am Athar Badurga. I am in third year civil engineering at Government Engineering College, Aurangabad. Okay. And I know AutoCAD, Revit, SketchUp, and Navisware. Just introduction. Okay, AutoCAD and Navis and next what you said? Revit. SketchUp and Revit architecture. Okay, very good. And you diploma holder also? No sir. Only degree you looking. Okay, great. Okay, Athar. Okay. Bed Brahma Sharma. Sir,
Sir, myself Beda Brahmanath Sharma. Okay, sir. I'm from Odisha. Okay. My passing year is 2019. I don't have any skills. Okay. They know basic AutoCAD. Okay, great. You have any experience? No, sir, I don't have. 19 से अभी तक क्या किए थे? कुछ job वगैरह की preparation? जी sir. Okay. एंड लैपटॉप तो है ना सर वो? हाँ सर. ओके हाँ सर अभी लिए. ओके ग्रेट. क्या बात है. तो तुम मतलब कौन सा लिए? एचपी पैवेलियन. ग्रेट ग्रेट. उसी से मैं भी लेक्चर ले रहा हूँ. वेरी गुड. ओके फैजान ऑन योर माइक प्लीज. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग फैजान. जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन शॉर्ट्स लाइक योर पास आउट ईयर एंड योर स्किल्स एंड इन व्हिच लोकेशन लुकिंग फॉर द जॉब एंड वेयर यू फ्रॉम. Myself Faizan Rajput. I'm from Nagpur. My pass out year is year 2020. Okay. I have 8 months of experience as a tackler trainee. 8 months. Okay. And I know about AutoCAD, Revit architecture structure, and Tekla steel structural detail. Revit and Tekla. And only you pass after that. You right now you not working, na? No, sir. Okay. In whole MH you are looking for the job? Preferably, sir, Nagpur. Okay, great. I think you can prepare for textures. That will be good for you. You yes. can prepare for yes. texture. That is good company in Nagpur. Okay, great. Gauru, on your mic. Hello everyone, my name is Gaurav Srivastav and I am pursuing my BTech in civil engineering and currently I am in last semester of my BTech program. Okay. I have also did my diploma in civil engineering construction. Okay. I am from Delhi. Delhi. Very good. So Gaurav, kaun sa college se kar rahe ho? Sir Ganga Institute of Technology and Management. Noida. Maharshi Dalal. No sir, Bahadurgarh. Bahadur. Okay. Great. Chalo badhiya. Okay. After Jaydeep. Jagdeep. Sorry. Jagdeep. Hello sir. Hello. Yes. Sir. Good morning. Good morning. Myself is Jagdeep. I am from Karnataka. My pass out year 2021. My skills are AutoCAD, 2D, 3D, Revit architecture structure. And Navis work and basics of 3ds Max. Oh, great यार तुम्हें तो लगभग सारे सॉफ्टवेयर आते हैं. Great. But हम क्या बोलते हैं basics से चलेंगे एकदम मतलब जो बिल्कुल नहीं सीखा है उस लेवल से ही चलेंगे. ठीक है. अच्छी बात है तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट होगा कि तुम और भी इंटरव्यूज दे सकते हो धीरे धीरे ना. बट रूल्स वही रहेंगे कि सभी लोग याद रखेंगे. कोई भी नर्वस नहीं होगा कि यार इनको इतना आता है मुझे नहीं आता है. ठीक है. हम एकदम जिसने कुछ नहीं सीखा है उस लेवल से हमको चलना है और होप्स हो कि बाकी लोग उसके लिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं टीम बिल्डिंग करेंगे. टीम बिल्डिंग इन सेंस कि हाँ ठीक है बहुत छोटी चीज़ है फिर भी सर पढ़ा रहे हैं क्योंकि सबके बेनिफिट के लिए है तो हम उस लेवल से चलेंगे. ठीक है. वेरी गुड जगदीप. जगदीप योर पास आउट इज 2021 राइट? यस सर. हैदराबाद विल बी ओके फॉर योर जॉब लोकेशन ना? कर्नाटक सर. ओनली कर्नाटक कि थोड़ा हैदराबाद भी जाना चाहोगे? नो सर. ओके. ओनली कर्नाटक. ओनली कर्नाटक. ठीक है. वर्क फ्रॉम होम एनीवेयर सर. वो तो कोई भी कर सकता है. ओके ग्रेट. चलो सौम्या. यस सर. हेलो सर. हेलो सर. एंड हेलो एवरीवन. ओके. माय सेल्फ के सौम्या एंड आई एम फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़. आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन 2022 एंड अबाउट माय स्किल्स आई नो द बेसिक ऑटोकैड SketchUp and estimation and billing I know, and along with that I have done my certification in interior design. Okay, basically you pass you passing with interior designing or degree diploma? No sir, I have done my BTech in civil engineering and along with that I have done certification in interior designing. Okay, BTech pass out year? 2022 sir. 2022. So you're looking job in interior or in beam? In beam sir. Okay. Beam looking. And job location will be Raipur only? No sir, anywhere in India. Anywhere here. Okay, great. And you pass out here 2022, na? Yes sir, yes great. Sir. बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख लिया. Very good. Thank you sir. Okay. Now next is
मैं सॉरी यार नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मोहम्मद अकु यस सर यस आप ही सर बोल रहे ओके ओके गुड हैं। गुड मॉर्निंग एवरी वन, मॉर्निंग माई सेल्फ मोहम्मद जाकिबुज्जमा, आई एम फ्रॉम बिहार बट नाउ आई लिव इन दिल्ली एंड आई हैव कम्प्लीटेड माई डिप्लोमा इंजीनियरिंग जामिया मिल्लिया इस्लामिया एंड आई एम परसुइंग बी टेक इन लास्ट ईयर एंड आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑटो कैड। ओके सो योर पास आउट ईयर विल बी 2025 29 सर इन डिप्लोमा 29 ओके एंड 29 तो यस 2019 या 2019 और डिग्री अभी कब तक पास आउट हो गए सर 2013 2020 2023 ओके दिस ईयर ओनली ना यस सर ओके ग्रेट। हाँ क्योंकि नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना कि अभी पता चला डिग्री में हो तो फिर अप्लाई नहीं कर पाओगे ना। ठीक है तो तुम्हारा मतलब डिग्री है तो डिप्लोमा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑटोकैड पे तुम्हें 2 साल का एक्सपीरियंस है एज ए ड्राफ्ट मैन राइट। यस सर ग्रेट। और ये कहाँ पर था एक्सपीरियंस तुम्हारा सर? एक्सपीरियंस ये नोएडा में ही है, एनफेज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। सो बेसिकली फ्रॉम नोएडा एंड दिल्ली ओनली? यस सर दिल्ली दिल्ली नोएडा गुड़गांव। ओके तो वहीं वहीं के तुम हो भी क्या? नहीं सर बिहार से। बिहार में कहाँ से? बिहार में समस्तीपुर से। ओके ओके थैंक यू। ओके जोरखानी मोहम्मद आकिब जोरखानी। हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज मोहम्मद आदिल, आई एम फ्रॉम गांदर। आई एम कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इन सिविल एंड आई एम स्टडीइंग बीटेक फाइनल ईयर सर। ओके मैं 2023 विल यू पास आउट? डिप्लोमा आई एम पास आउट सर 2019 सर। आई एम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन साइड इंजीनियर। 1 ईयर एक्सपीरियंस ओके। नहीं बीटेक पास आउट विल बी 2023 ना? नहीं अभी सर फाइनल ईयर है सर बीटेक का, आखिरी सेमेस्टर। ओके मींस तो वही होगा 2023 होगा ना? हाँ सर 23 अभी एग्जाम देना है सर। हाँ एग्जाम देना है, कब होगा एग्जाम अप्रॉक्स? अभी हो गया है सर अभी सब। फाइनल ईयर में कुछ ज्यादा हैटिक तो रहता नहीं है। हाँ नहीं है सर। ओके ग्रेट। ओके मींस ओके आई नो अबाउट सर हाँ बताओ रेविट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एंड ऑटोकैड। रेविट ऑटोकैड यू नो ग्रेट बहुत बढ़िया। आपको सर व्हाट्सएप किए थे ना इससे पहले प्रोजेक्ट्स बनाए हुए? हाँ हाँ तुमने किया था करेक्ट याद है। ओके ग्रेट चलेगा। और 2023 तो कोई दिक्कत नहीं थी तो बहुत अच्छा है। इसके बाद जस्ट जब तक पास आउट होगा तब तक एक जॉब हो जाएगा तुम्हारे पास, मजा आ जाएगा तुम्हारे लिए। तो ठीक ठीक ये बहुत सर कैसा था सर वर्क सर? अच्छा है तुम्हारा वर्क पर अभी और क्या बोलते हैं फिनिशिंग देना है। देखो कंपनी की एक्सपेक्ट जो एक्सपेक्ट जो क्या होता है ना कंपनी की जो एक्सपेक्टेशन होती है, देखो दो तरीके एक्सपेक्टेशंस होती है। एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि अभी सीधी सीधी बात है कि एक वहाँ पर ओपनिंग उन्होंने दिया हुआ है 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस, तो हमारा काम ऐसा होना चाहिए, गुरुकुल का यही एम है, हमारा काम ऐसा होना चाहिए कि 1 ईयर 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस वाला है वो हमसे कंपटीशन करे और उससे हम बहुत आगे रहें, तभी वो हमसे कंप्रोमाइज करेगा ना। ठीक है अभी कल मुझे मैंने कल ओपनिंग डाली थी अपने यूनिक सिविल में, ओपनिंग चल रही थी तो मैंने ओपनिंग डाली थी कि क्या बोलते हैं 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है एक लड़का बोला सर फ्रेशर के लिए नहीं है, मैंने बोला 1 to 3 ईयर का तुम कंप्लीट कर दो, अगर तुम 1 ईयर के लेवल पे अभी वर्क है तुम्हारा अप्लाई फॉर दैट है ना। तो हमें क्या बोलते हैं इस 4 महीने में इतनी फिनिशिंग लानी है, इतनी फिनिशिंग लानी है कि 1 ईयर के एक्सपीरियंस के बराबर हमारी क्वालिटी चमके, बस उसके बाद क्या है तो बेस्ट हो जाएगा। ओके ओके ठीक है चलो। मगर कॉल आते हैं सर 1 ईयर 2 ईयर को अप्लाई करने के बाद सर? बिल्कुल वो कॉल आते हैं, हम जब पोर्टफोलियो लगाएंगे ना उसी पोर्टफोलियो से सामने वाला अपने आप बोल देगा यार क्या करेंगे ये तो वैसे ही वेस्ट है। ठीक है तो पोर्टफोलियो हमारा उनको कम्पटीट करेगा। ठीक है और ठीक है चलेगा। तो बाकी लोग याद रखिए कि जैसे 1 ईयर ओके 1 ईयर 2 ईयर लिखा हुआ है इसका मतलब ये समझिए कि उनको एक्चुअली देखो मैं 1 ईयर 2 ईयर 1 to 3 ईयर मैंने पता क्यों लिखा, मेरा काम फ्रेशर से भी हो सकता था ठीक है, एक्चुअली हो भी जाएगा मैं हायर भी कर लूँगा। ठीक है तो 1 ईयर 3 ईयर क्यों लिखा है मैंने, यहाँ पे 2 ईयर क्यों लिखा हुआ है, उसको लिखने से सिर्फ ये मतलब था कि कोई भी अप्लाई ना कर दे जिसके पास एक्चुअली ये पावर हो ये माइंडसेट हो कि यार 1 ईयर वाला भी हमारे लेवल का नहीं है वो अप्लाई करेगा तो हमारा टाइम बचेगा, क्योंकि नहीं तो फिर हमको शॉर्ट लिस्टिंग करना पड़े फिर वो करना पड़े, तो सीरियस लोग ही अप्लाई करें इसलिए 1 to 3 ईयर लिख दिया जाता है। और हमारे हमें क्या है
अब सीधी सीधी बात है, हम 15 से 20 हज़ार ऑफर करने वाले हैं, 25 हज़ार ऑफर करने वाले हैं, तो 10 साल के एक्सपीरियंस वाला थोड़ी आएगा हमारे पास, ठीक है? तो ये चीज़ माइंड में हमेशा रखा करो कि इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सर। ओके मुस्तफा, मुस्तफा तो हमारा ओल्ड स्टूडेंट है। हेलो सर। हाँ हेलो मुस्तफा, बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मुस्तफा। माय नेम इज मुस्तफा कमाल खान। ओके ओके, कंटिन्यू। माय पास ईयर इज 2022। आई एम डिप्लोमा होल्डर, आई एम फ्रॉम बिहार। ओके। आई हैव नॉलेज ऑफ ऑटोकैड बेसिक। ओके, यू फ्रॉम लाइक डिप्लोमा ओनली एंड ऑटोकैड बेसिक यू नो। ओके जी सर, तुम्हारा काम तो मैंने देखा है। ओके, आप थोड़ा मेहनत कर दो मुस्तफ़ा, सही से अगर तुमने मेहनत किया तो तुमको मैं जवान दे रहा हूँ, 3 महीने के अंदर तुम बन जाओगे, 3 महीने के, ठीक है? चौथा महीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? चलेगा ना। नदीम, नदीम ऑन योर माइक। हेलो सर। हेलो, यस नदीम। नदीम माय सेल्फ नदीम अहमद। ओके, आई एम लिविंग इन हैदराबाद। ओके, माय पास आउट ईयर इज 2029, 2 year AutoCAD experience. Okay, great. 2 year experience. AutoCAD, very good. And you looking job in Hyderabad only, right? कहीं भी सर, ज़्यादातर prefer तो मैं गल्फ में कर रहा हूँ। बाहर, outside? जी सर। Okay, हाँ, that will be good. ठीक है, मेरे पास उसकी भी openings आती रहती हैं काफी। ठीक है, I'll just suggest you. But उसमें मैं थोड़ा सा ना suggest करने से डरता हूँ। बताओ क्यों? क्योंकि जैसे कि अब सीधी सीधी बात है, पुणे और हैदराबाद और बेंगलोर की कंपनियां तो मुझे पता है ना, और वहाँ की कंपनियों में कुछ अभी ऊपर नीचे हो तुम तो जानती होगे इसके बारे में, तो थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जानते हो ना, वो बीच में जो कंसल्टेंसी होती है वो थोड़ा बहुत लेते हैं ना, तो वो जो लेते हैं उसमें से क्या बोलते हैं, आज के टाइम पे थोड़ा सा 50% लोग फ्रॉड वाले हैं, 50% ही राइट वाले हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए मैं रिफंड, मेरे पास आते बहुत लोग हैं कि सर क्या बोलते हैं, हमें इतने लोग चाहिए इस प्रोफाइल के लिए। कई लोग तो ऐसे हैं जो इंडिया से ही वहाँ पर अपना खुद का काम स्टार्ट कर लिए हैं, पर जब मेरा कोई अपना स्टूडेंट कॉल करके बोलता है तभी मैं रिफर देता हूँ, बाकी लोगों में भरोसा नहीं करता हूँ। चलेगा, मैं बताऊँगा अगर ऐसा कुछ आता है, ठीक है? ओके, ग्रेट, थैंक यू। ओके ओमकार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ओमकार। ओमकार, यू पास आउट ईयर? सर माय पास 2021। ओके, एंड आई एम फ्रॉम बीड। बीड एंड आई हैव द साउंड नॉलेज, महाराष्ट्र। ओके, एंड आई हैव द साउंड नॉलेज अबाउट द ऑटोकैड एंड टू स्ट्रक्चर्स सॉफ्टवेयर, स्टैडर्ड एंड ईटीएफ्स। नहीं, स्टैड एंड एनसिस। एनसिस, वेरी गुड। ओके, प्रोजेक्ट हमारा एनसिस। तभी तो बस उतना ही सीखे जितने का प्रोजेक्ट था। उतना ही स्टिल स्ट्रक्चर। एनी एक्सपीरियंस? नो सर। ओके ओके, गुड ओमकार। परवेज, ओके। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ परवेज खान। ओके, आई हैव डन माय इंजीनियरिंग इन 2020 फ्रॉम बैंगलोर। ओके, एंड नाउ आई एम करंटली स्टेइंग इन जयपुर, राजस्थान। And just after graduation, I started my pursuing engineering services. And I have no much of experience as a work life experience. I have done my internship of 3 months as a site engineer. 3 months. And yeah. Any technical skills? No technical skills, sir. I just started preparing after that, after my graduation. Okay, no issue. Thank you, Arvish. Okay, thank you. Okay, Pramod. Hello sir. Hello, yes Pramod. Myself Pramod Jayde. Okay. Passing year my 2016. Okay. अभी 5 साल से मैं साइट पर कर रहा था काम. 5 year. Excel. साइट इंजीनियर. Okay. और 1 साल से भी खुद का कंस्ट्रक्शन काम कर रहा हूँ. Okay. Basic knowledge AutoCAD, Revit. Okay. तो क्यों अभी BIM में क्यों जाना चाह रहे हो? अगर कंपनी पूछे तो क्या बताओगे? अभी वैसे इंक्रीमेंट नहीं हो रही साइट पे ऐसे, इसीलिए और प्रोफेशनल जॉब देख रहा हूँ। ओके, मतलब उस जॉब में एंजॉय नहीं कर रहे हो? नहीं, एंजॉय करने का और टाइम का भी बहुत है। टाइम का तो बच जाता है, लेकिन कंपनी को हम ये नहीं बोलेंगे, कंपनी को जस्ट कन्वर्ट कर देंगे इसी में। क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे?
आपकी कम्युनिकेशन, काफ़ी लोगों की कम्युनिकेशन वीक है, मैं आपको लिंक दूंगा ठीक, कम्युनिकेशन की अपनी क्लासेस चलती है इवनिंग में, 7 to 8 इवनिंग में क्लासेस चलती है कम्युनिकेशन की, उसमें क्या बोलते हैं मैम रहेंगी, वो आपको टॉपिक देंगी, और जैसे कि मैं प्रमोद का कम्युनिकेशन देख रहा हूँ, मुझे आइडिया लग रहा है कि इनको कम्युनिकेशन में बहुत वर्क करना पड़ेगा, कई लोग का ऐसा है, तो यू विल गेट द टॉपिक्स एंड एज पर द टॉपिक्स यू कैन जस्ट एक्सप्लेन द थिंग्स ठीक है। आप जैसे कि मान लो कि इन्फ्लुएंस रेट हो गया, या फिर गवर्नमेंट के बारे में हो गया, या फिर किसी भी टॉपिक पर आप डिस्कशन करिएगा, और डिस्कशन करने के बाद उससे क्या होगा, आपकी फ्लुएंसी आएगी, प्लस आप दूसरों को सुनिएगा ठीक है। उसी के बारे में राज बताएंगे, उसी के बारे में ऋतिक बताएंगे, शाहिद बताएंगे, तो क्या होगा उससे ना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात कि कॉन्फिडेंस रेज होगा ठीक है प्रमोद। ठीक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप लिंक, सभी लोग जिसको जिसको भी कम्युनिकेशन में लगता है कि मैं वीक हूँ ठीक है, जरूर ज्वाइन करना, अदरवाइज क्या बोलते हैं ज्वाइन नहीं करोगे तो आपका खुद का लॉस है ठीक है। 7 to 8 इवनिंग में चलती है बैचेस, जिससे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है, जो कहीं पर भी है आप गूगल मीट से आना रहता है, आके जो टॉपिक दिया गया एक्सप्लेन कर दो, आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ओके ठीक है प्रमोद, तो क्योंकि देखो क्या होता है कि BIM की जो कंपनीज हैं मैक्सिमम बड़ी कंपनियाँ हैं, और बड़ी कंपनी के जो क्लाइंट होते हैं ठीक है, अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्लाइंट्स बेल्जियम के हैं ठीक है, उनके क्लाइंट कनाडा के हैं, US के हैं, UK के हैं ठीक है, तो दुबई के हैं, ऐसे क्लाइंट्स के लिए जब आप काम करते हो तो यू नीड टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश ठीक है। एंड इफ आर नॉट कम्फर्टेबल टू टॉक इन इंग्लिश एंड इफ आर नॉट कम्फर्टेबल टू एक्सप्लेन ठीक है, यस रेगुलर होती है मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास होती है द कम्युनिकेशन क्लासेस, एंड आई विल सेंड यू द लिंक इन द योर ग्रुप, यू कैन ज्वाइन दैट क्लासेस, और उसमें आप डेली आके खुद को क्या बोलते हैं रिप्रेजेंट करिएगा ठीक है। आपको अगर 5 मिनट भी रिप्रेजेंट करने को मिल गया, 2 मिनट भी मिल गया ना, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, क्यों, क्योंकि आप सबके सामने परफॉर्म करोगे, दिस इज द प्लस पॉइंट ठीक है। तो आई जस्ट शेयर यू, वो क्लासेस गुरुकुल की तरफ से ही आपको कॉम्प्लीमेंट्री में मिलती हैं, बट उसे ये मत समझिएगा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो हम एक हफ्ते ही केवल देखते हैं, अगर एक हफ्ते में कोई ज्वाइन नहीं करता है तो विल लेफ्ट है ठीक है, हम उनको बोल देते हैं कि भैया मत करो ठीक है, क्यों, क्योंकि वो टीचर को हमको पे करना पड़ता है ना, यू अंडरस्टैंड कि मैंने आपके लिए रखा हुआ है, जिससे कि मेरा एम ये होता है कि जिनकी कम्युनिकेशन वीक है उनको ब्रशअप करके MNC के लायक ले आ दिया जाए, जिससे बीच में ये ना आंसर आया, क्योंकि बीच में जो मेरे प्लेसमेंट में जो प्रॉब्लम हो रही थी, मैं यही प्रॉब्लम हो रही थी, लोगों का शॉर्ट लिस्ट हो रहा था, लोग टेक्निकल क्रैक कर ले रहे थे, और इंटरव्यू के बाद आते थे तो बोलते थे कम्युनिकेशन की वजह से हमको रिजेक्ट कर दिया गया, तो फिर मैं बहुत परेशान हो गया कि अभी मुझे तो सीधी सीधी बात है कि आपको अपने रेपुटेशन प्यारी है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है, सबको प्यारी होती है, तो फिर मैंने सोचा क्या करें, फिर मैंने कम्युनिकेशन का टीचर हायर किया, फिर मैंने बोला कि मेन एम ये है, क्योंकि ग्रामर तो यूट्यूब से आदमी पढ़ लेता है, मैंने हमें बोलने का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो हमने बोलने के लिए हायर किया हुआ है। तो सभी लोग 7 to 8 इवनिंग में आप जरूर उसको ज्वाइन करिए, और आप 1 घंटा नहीं कर सकते, आधा घंटा करिए, पर करिए जरूर, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ठीक है। ओके प्रमोद का हो गया ठीक है, और प्रमोद को आंसर क्या देना है, साइड से हम यहाँ आ रहे हैं, इसका आंसर मैं आपको भी क्लासेस में आगे बताऊँगा। ऐसे नहीं बोल सकते हो कि प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है, मुझे पता है कि वहाँ पर वर्क बैलेंस बहुत ख़राब होता है, ये भी मुझे पता है, आपको भी पता है, ये भी पता है कि क्या बोलते हैं ग्रोथ का एक लिमिट है, उसके बाद ग्रोथ नहीं है, राइट है सब कुछ, पर हम कंपनी को ये आंसर नहीं दे सकते, कंपनी को ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा मैं आंसर दूंगा आपको कि आपका जो ओल्ड एक्सपीरियंस है वो बीम में भी एक्सपीरियंस के फॉर्म में आ जाए ठीक है। आई विल गाइड यू, डोंट वरी ठीक है। अभी के लिए हम इंट्रोडक्शन पे ही रहते हैं। राजकमल, राज, राज कमल, ओके आई थिंक इनको आवाज भी नहीं जा रही है फिर, ठीक है। ऋतिक जी, सर जी सर, हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक मेहता, ओके, एंड लाइक आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन 22, आई एम करंटली पर्सुइंग माय मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, वेरी गुड, एंड आई बिलोंग टू मुंबई, मुंबई, very good. And you have any skills? Like sir, I know AutoCAD, and sir, I know Revit architecture. Very good. Very good. Yes. Thank you, Ritik. Okay, Raj, abhi mic on kar sakte ho? Raj Kamal. Yes, sir. Good morning. Good morning, Raj Kamal. Yes, sir. I am myself Raj Kamal Yadav. Okay. I am working, I am totally 7.5 year experience. I am working TUV India Private Limited as a senior engineer. Okay.
and I am BTEC pass out in 2013, and I am also MTEC in structural engineering pass out in 2017. And this is the software skill AutoCAD and MS project. Very good. MSP. Yes, sir. Okay, great. Very good. So like you have a 7.5 year experience, ठीक है, जितना experience आपका बढ़ रहा है राजकमल यादव के लिए, उतना ज़्यादा आपको अपना power ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, सभी लोग याद रखें, ठीक है, क्यों दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी salary हो चुकी है high, ठीक है, आप उसको match करने के लिए knowledge चाहिए high, ठीक है, तो ये plus point भी है, negative point भी है, plus point ये है कि salary ज़्यादा मिलने वाली है, negative point ये है कि आपको मेहनत compared to others ज़्यादा करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस चीज को हमेशा माइंड में रखो, बाकी अगर मेहनत करोगे तो हो जाएगा सब. ग्रेट. ओके सर. ओके शाहिद खान. हेलो. हेलो. यस शाहिद. गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज शाहिद खान, आई एम फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र. आई डिड माय डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 2016 एंड टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस जॉब एक्सपीरियंस आई हैव बीन वर्किंग एज अ साइट इंजीनियर इन नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट लास्ट फॉर लास्ट 5 years. I know basic knowledge in AutoCAD. Okay. Metro project में थे क्या? अभी तो metro पूरा ready हो गया, वहाँ पे देखा? Yes sir. Reach two, reach one ready हो गया sir. Reach two अभी चल रहा है sir process में. Okay. Reach two कौन सी line है? ये मैं कामठी रोड पे sir. कामठी रोड. Okay. Yes sir. Okay great. सिद्धार्थ. सिद्धार्थ सिंह. Okay ठीक है, इनको जब तक काम आ जाए. Hello. हाँ सिद्धार्थ. Good morning, sir. I am Siddharth Singh from Patna, Bihar. Okay. And I have completed my diploma in 2020. And currently, I am doing for BTEC. I am in third year. Okay. Third year. ठीक है. कहाँ से कर रहे हो? RGBB? No, sir. I am Patna से कर रहे हैं. Patna से कर रहे हो. Okay, great. Any skills you have? कोई skills आता है? Yes, sir. AutoCAD basic, sir. And I have recently मतलब sir diploma के बाद मैंने training किया था Patna Metro project. Okay, great. हाँ, piling में sir था. Piling में. ठीक है. Yeah. Okay. Simran, thank you. Sir, passing year 2020. हाँ, लिखा है मैंने 2020. ठीक है. Hello. हाँ, Simran. Simran? Hello sir, good morning sir, myself Simran Kodare. I am from Mumbai. I am 4-year civil engineering student. I am going to pass out this year in 2022. And I know basic of AutoCAD. Okay. AutoCAD Revit, you know, right? That's yeah. It. Okay, great. That's it. Thank you. Okay, Swapnil. स्वप्निल इस बैच में सबसे स्टार्टिंग में आए थे और इंट्रोडक्शन में सबसे लेट हो गए. हाँ स्वप्निल बोलो. सर मेरा नाम स्वप्निल पाटिल है. ओके. मैं अभी लास्ट ईयर बीटेक कर रहा हूँ. आई एम फ्रॉम कोल्हापुर महाराष्ट्र. 2023 पास आउट रहेगा ना? हाँ. यस सर. ओके ओके ग्रेट. एंड क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास कोई स्किल है? AutoCAD रिवेट आर्किटेक्चर. ओके AutoCAD. अभी तो कॉलेज तुम्हारा वही लगभग मई जून के आसपास पास हो गया ना? मई जून के आसपास. ठीक है चलो. ओके थैंक यू. चलेगा. विराट ऑन योर माइक. हेलो सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग विराट. विराट यू पास आउट? माय सेल्फ इज. यस यस. माय सेल्फ इज देवेश प्रताप सिंह. देवेश तो बिदुन विराट. अच्छा देवेश बोल रहे हो क्या? देवेश सिंह ना? हाँ सर. यस सर. हाँ ठीक है देवेश, तुम्हारे बारे में मुझे पता है. सर गलत है सर. हाँ ठीक नाम सर. हाँ ठीक है सर. मतलब तुम दिल्ली से हो ना? नहीं सर, गोरखपुर से हूँ. मतलब गोरखपुर से हो. तुम्हारा एक दोस्त था, उसने मुझे कॉल किया था तो मुझे पता था. हाँ हाँ ठीक है बोलो ना. पास आउट ईयर? ओके. I completed in diploma 2020 and after them I passing BTEC. Okay, so right now 2023 pass out रहेगा? No sir, 2024. Lateral entry नहीं थी क्या? Sir एक साल gap हो गया था. एक साल का gap हो गया था. Okay, चल गया. Okay देश, तो अभी तुम job करोगे कि नहीं करोगे? करूँगा sir.
ठीक है, तो अभी कंपनी को आपको 2020 प्रेजेंट करना पड़ेगा, 24 हम नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हायर नहीं करेंगे वो। ओके सर, ठीक है, चलो ओके सर। और कुछ स्किल्स आते हैं टेक्निकल तुमको, ऑटोकैड वगैरह बेसिक? नो सर, नो सर। ओके नो इशू, ठीक है चलो। ओके लास्ट इज यामिनी, यामिनी ऑन योर माइक, थैंक यू वेरी मच। सॉरी देवेश, अपना एडिट कर लो उसको, उसको एडिट कर लो। यस यामिनी, हेलो सर। हेलो यस यामिनी, माय सेल्फ यामिनी निखार, माय पास आउट ईयर इज 2018। ओके, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट लेवल एग्जाम्स। ओके, एंड लोकेशन नागपुर एंड पुणे। ओके, सो लुकिंग फॉर द नागपुर एंड पुणे। यू हैव एनी स्किल्स लाइक एक्स्ट्रा स्किल्स, ऑटोकैड वगैरह कुछ आता है? ऑटोकैड और रेविट के क्लासेस किए थे 2018 के बाद, बट अभी प्रैक्टिस में नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, ग्रेट। ठीक है, देखो इससे क्या बोलते हो गया, दैट से थैंक यू सो मच। किसी का इंट्रोडक्शन बचा तो नहीं, आई होप, आई होप नहीं बचा होगा। तो अभी इससे हमें क्या आइडिया लगता है, इससे आइडिया लगता है कि एग्जैक्टली आपको कितना काम करना है। ठीक है, अभी आज के टाइम पे जिनका जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको तो भाई ज़्यादा काम करना ही करना पड़ेगा, मैंने अभी रीज़न बता दिया। ठीक है, प्लस आपको कितनी भी स्किल्स आती हैं अच्छी बात है, उसको आप एडवांटेज के रूप में लीजिएगा। और बाकी हम लोग तो स्टार्ट टू एंड तक ही चलने वाले, जो अपनी क्लासेस होंगी वो होंगी ऐप के ऊपर। तो ऐप में आपको क्या करना है, क्या बोल, ऐप में आपको रजिस्टर्ड करना है। सबके पास यूनिक सिविल ऐप होगा ही, होप सो, किसी के पास नहीं है तो कमेंट कर देना, मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो सबके पास यूनिक सिविल ऐप है, ऐप को आप लैपटॉप पे भी चला सकते हो। ओके ठीक है, क्या बोलते हैं परवेज, अभी जस्ट बोल रहा हूँ, माइक आप ऑन कर लेना। ठीक है, हेलो सर। हाँ परवेज बोलो। सर सर मुझे iOS के अंदर आपका ऐप नहीं मिला, iOS के अंदर? ठीक है, मैं भेज दूंगा। ठीक है, उसके लिए माई इंस्टीट्यूट करके एक ऐप है, क्या बोलते माई इंस्टीट्यूट, ओके, उसको डाउनलोड कर लेना। उसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है OBHQH। ठीक है, सर आप मेरे को भेज देना, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, क्योंकि मैं भी iOS में भी चलाता हूँ और एंड्रॉइड में भी चलाता हूँ। ओके थैंक यू सर, चलो ओके जी। ठीक है, तो अभी क्या बोलते हैं हमें, वो तो हो जाएगा, iOS में भी हो जाएगा, एंड्रॉयड में भी हो जाएगा, इवन आप क्या बोलते हैं लैपटॉप पे भी चला सकते हो। पर उस ग्रुप में कैसे आपको अपने आप को रजिस्टर करना है वो मैं जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ कि अपने को ग्रुप में कैसे आना है। उसके बाद जो आपके डाउट्स रहेंगे विल क्लियर वन बाई वन, अगर कुछ भी आपको पूछना रहेगा तो बिल्कुल पूछ सकते हो, जस्ट थोड़ा सा एक मिनट के वेट कर लेना। अपनी क्लासेस कैसे चलेंगी, आप यहाँ पर बैचेस ऑप्शन में अभी आ जाओगे, आने के लिए एक वीडियो भेजूंगा, उस वीडियो को जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आ जाओगे। सपोज आपका ये बैच है, आपकी जो लास्ट बैच थी, तो देखिए उसमें ये एक्सीलेंट ऐसे बैचेस होती है। यहाँ पर आने के बाद ये ऐप में आप आ जाओगे ऑटोमेटिक, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद एज ए स्टूडेंट आप यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है, ये आपकी जो सीनियर बैच है वो बैच का ये डिटेल है। ठीक है, तो इसका बैच कोड होता है, क्या होता है इसका बैच कोड होता है, वो बैच कोड जैसे आप यहाँ पर डालोगे, जैसे इस बैच का बैच कोड ये है, तो बैच कोड अभी डालना कैसे है उसका एक वीडियो भेज दूंगा छोटा सा ग्रुप के अंदर, आराम से कर देना। इन केस किसी को दिक्कत गई तो फिर आप क्या बोलते हैं मुझे डीएम कर देना, मैं ऐड भी कर दूंगा। यहाँ पर होता है गो लाइव नाउ, ठीक है, तो अभी डेफिनेटली मेरा वो क्या बोलते हैं एडमिन अकाउंट है, तो यहाँ पर दिखा रहा है आपके में ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आएगा, या फिर नोटिफिकेशन आता है वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके होम स्क्रीन पर भी ज्वाइन नाउ का ऑप्शन रहेगा, तो फर्स्ट डे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, हो सकता है जिसको टेक्निकली थोड़ा प्रॉब्लम हो, पर परेशान बिल्कुल मत होना, मैं आपको उसके लिए भी गाइड करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बैचेस चलेंगे, और जैसे क्लास हो गया उसके बाद अगर आपको रिकॉर्डिंग फिर से देखना है तो वहाँ पर नीचे आ जाना लाइव क्लासेस ऑप्शन पे, कहाँ जाना लाइव क्लासेस पे। फिलहाल ये कल फिर से एक्सपेंड करें, तो अभी जो लाइव क्लासेस हुए हैं वो लाइव क्लासेस ऐसे रखे रहेंगे। ठीक है, और क्या बोलते हैं आपको सपोज़ कि ऐप को लैपटॉप से खोलना है तो कैसे खोलोगे, जस्ट unixsivil.com पे चले जाना। ठीक है, और यहाँ पर जाने के बाद जैसे आप unixsivil.com पे जाएंगे लॉगिन कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा, क्या लॉगिन कोर्सेज, जरूरी नहीं आप लैपटॉप से जाओ आपका मन है तो। ठीक है, देखो यहाँ पर लॉगिन कोर्सेज है, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे और क्लिक करते ही आपको बस डालना है अपना मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, और ग्रुप में कैसे आना है, मतलब ये बैचेस में कैसे कनेक्ट होना है, इसका एक शॉर्ट वीडियो है, यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगा, तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसलिए कर सकते हो। ठीक है, चलो अब जिसके भी डाउट हैं इट्स योर टाइम, टेक योर टाइम, जो भी पूछना पूछो। अक्षय कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलो अक्षय, इन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। अक्षय कोई डाउट है?
आकी कुछ बोलना चाह रहे हैं? आकी भाई कौन कल और आपसे? अभी आपका टाइम हो गया, मेरा टाइम खत्म, अब आपका टाइम है। हेलो सर। हाँ हाँ आकी बोलो। आ रही है सर? हाँ हाँ आ रही है सर। वो नेम करेक्शन नहीं हो रहा था सर आज में सर, इससे पहले भी। ओके ठीक है, अभी तुरंत ही कर देते हैं तुम्हारे से, लगे हाथ ही कर देते हैं जी। क्योंकि अभी तो मुझे अपना रियल जो एग्जैक्टली नेम चाहिए स्पेलिंग, वो मुझे मैसेज बॉक्स पर ड्रॉप कर दो। ओके सर। नंबर तुम्हारा यही है? मोबाइल नंबर भी डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना। हाँ यही है सर। डाल दो मोबाइल नंबर यहाँ पे ग्रुप में, क्योंकि यहाँ पे दिखेगा नहीं ना हमको। यहाँ पर टाइप कर दूँ सर? हाँ चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में डाल दो, या तो ग्रुप में भी दे तो चलो मैं कर दूंगा, डोंट वरी आज हो जाएगा। ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप में कर देता हूँ। नहीं तो ग्रुप में मत को भी डीएम कर दो मुझे, नाम और मोबाइल नंबर अपना डीएम कर दो। ठीक है ओके, आपके पास में बस चलेगा। कर दो, मैं आज ही कर दूंगा। ठीक है चलो अक्षय। ओके जी अक्षय, कोई डाउट है कुछ पूछना है पूछो। हेलो हेलो यस अक्षय बोलो। एक्चुअली मेरा इंट्रोडक्शन बाकी है सर। ठीक है, लेकिन मैंने तो बोला था। अच्छा तुमने अक्षय, अक्षय हाँ वो थोड़ा प्रॉब्लम था, मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था इसके बाद। अच्छा 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 हाँ हाँ अक्षय बताओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। My name is Akshay Nautake. I am from Maharashtra. I am completed my degree in BE Civil recently in 2022. Okay. And I have basic knowledge of AutoCAD and Revit architecture. Very good. AutoCAD and Revit, you know basic. And you are in like Maharashtra, kahan se ho? Latur sir. Latur? Haan. Okay. To Pune wagaira pe tum job Mumbai wagaira ja sakte ho, right? Haan, Nashik. Okay. Chale. Okay, thank you. Okay. थैंक यू। ओके ठीक है आकिब, आप भेज दीजिए, आपका माइक में म्यूट कर रहा हूँ। ओमकार कुछ बोलना है क्या? आकिब कुछ और बोलना है बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं सर, वो माइक चालू है यार। ओके थैंक यू सर। सेम इश्यूज है, मेरा भी नाम जो है हाँ उस पे लिखा हुआ है ए जमा। ओके फुल नेम नहीं है वो जो तुमने लिखा होगा वही होगा, मैं ऐसा मत ब्लेम करूंगा। मुझे डीएम कर दो, मुझे डीएम कर दो अपना नंबर और अपना जो नाम करना है। ठीक है ओके ठीक है, अभी मैं तुरंत ही कर दूंगा दोनों का, चलेगा। और क्या बोलते हैं, दोनों भी आखे भी है सर। दोनों का नाम भी आखे भी है सर। ये तो अच्छा है, इसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था आतिफ का। ठीक है अभी मेरे लिए इजी है। ठीक है चलेगा, बट सब मर्द ना इसीलिए तो। हाँ कोई बात है, अच्छा है। अच्छा ये जब मर्ज था इसलिए मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था। ठीक है चलो थैंक यू, तब तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है मुझे ग्रुप में शेयर कर दो। ठीक है चलेगा। ओमकार कुछ बोलना चाह रहे हो? ओमकार ठीक है, किसी और कुछ पूछना है बोलना है आराम से आप पूछो, इट्स योर टाइम। सिद्धार्थ कुछ बोलना चाह रहे हैं? सिद्धार्थ बोलो। पूछना था कि सर मतलब 2024 में कोई दिक्कत ही ना बाकी लोगों के हिसाब से? नहीं तुम्हारा जो 24 है तो तुम्हारा ये कब है, डिप्लोमा कब किया है तुमने? सर मतलब डिप्लोमा सर किया 2020 में पास आउट, और 21 से 24 लेटर लिटरी अर्ली मैंने लिया। समझ गया। नहीं अभी तुमको क्या करना पड़ेगा सिद्धार्थ, अभी तुमको जो मैं सीवी तुम्हारा बनवाऊंगा, अभी मैं सीवी पोर्टफोलियो सब बनवाऊंगा, तो सीवी में तुमको सिर्फ डिप्लोमा दिखाना पड़ेगा। ठीक है तुम डिग्री नहीं दिखा सकते हो फॉर टिल 2024, क्योंकि डिग्री दिखाओगे तो सीधी सीधी बात है आप जॉब कर रहे हो और आप पढ़ भी रहे हो और वो भी फुल टाइम, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ना? ठीक है तो इसलिए उसको उसको हमें सिर्फ डिप्लोमा दिखाना पड़ेगा, और डिप्लोमा दिखा के इसमें मैं ट्रिक बताऊंगा, फिर तुमको बताना पड़ेगा। मैं गवर्नमेंट के जेई की प्रिपरेशन कर रहा था और उसके बाद फॉर्म ही नहीं आया, गवर्नमेंट ने हमारे साथ मक्कारी कर दी, और फिर मैंने कहा इंटर्नशिप करके जॉब कर लेते हैं, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक सर, आपने वो ऐप बताया था ना इंस्टॉल कैसे करना है सर, रेविट इंस्टॉल, रेविट कैसे इंस्टॉल करना है कि ऑटोकैड? सर रेविट और ऑटोकैड दोनों। ओके अभी चीज बताने चल रहा हूँ, ऑटोकैड कैसे इंस्टॉल करना है, बस वही लास्ट बचा हुआ है। ठीक है चलेगा। और ओमकार कुछ बोलना चाह रहे थे तुम बीच में? हेलो हेलो। हाँ ओमकार। हाँ सर मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है, तो 2-3 दिन तक आ जाएगा। चलेगा 2-3 दिन तो इंट्रोडक्शन, 2-3 तो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन ही रहेगा। ऑटोकैड बेसिक तुमको आता है ना?
हाँ तो सर चलेगा, हो जाएगा, तब हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू अभय, सर। ओके, अभय कुछ बोलना चाह रहे हो? ठीक है, कोई भी किसी को कुछ पूछना है बिल्कुल आप पूछिए, ठीक है। और अभी क्या बोलते हैं, अंकित कुछ बोलना चाहे, अंकित बोलो। सर ये मिनिमम क्राइटेरिया क्या है लैपटॉप का, जो ग्राफिक कार्ड रहता है कितना एट रहना जीबी चाहिए? रैम 8 GB RAM 4 GB ग्राफिक्स कार्ड एक अच्छा बैलेंस हो सकता है लर्निंग के लिए, ओके। ठीक है। और क्या बोलते हैं, वर्क करने के लिए अगर 16 GB कर सकते हो तो उसी में एक्स्ट्रा ऐड करा दो, बस परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, जैसे मेरा 8 GB है, रैम तो बढ़ जाएगी, 16 GB तो हो हाँ। जाएगी, तो ग्राफिक कार्ड का थोड़ा इशू है बस। कितना है ग्राफिक्स कार्ड? सर 2.5 समथिंग का है। 2.5 अगर वो इनबिल्ड है या फिर हाँ जी एक्स्ट्रा है? सर, एक्स्ट्रा भी है, एक तो नॉट इन यूज है, एक यूज में है। और जो नॉट इन यूज है यूट्यूब वगैरह पे देख के जुगाड़ कर लो, उसको यूज में आ जाए वो, ठीक है, ओके। तो हो जाएगा। 2 GB पर चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा स्लो चलता है, रेंडर के टाइम पे दिक्कत जाती है बस, ठीक है, बाकी ठीक मॉडलिंग है वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, चलेगा, ओके। अब है कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? ठीक है, चलो अभी हम बता देते हैं आपको ऑटो कैड कैसे इंस्टॉल करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है ऑटो कैड को इंस्टॉल करने का, ठीक है। आप लोग जस्ट एक, मैं आपको वेबसाइट का लिंक भेज दूंगा, ठीक है, लगभग कई लोगों को पता भी होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट जाना getintopc.com वेबसाइट है, ठीक है, बहुत अच्छी वेबसाइट है और इस पर आपको लगभग सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। यहाँ पर आप जाके जस्ट लिख देना ऑटो कैड 2020, ये वाला वर्जन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि छोटा है, तो वैसे तो 16 से लेके 20 तक के सारे वर्जन अच्छे हैं, पर 20 वाला कैसे है कि ये हैंग नहीं करता है क्योंकि मुश्किल से 1.5 GB का है ही, ठीक है। तो ऐसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए जिसका साइज कम हो। तो 2020 जस्ट इंस्टॉल कर लेना, इस पर जस्ट क्लिक करना डाउनलोड्स पे, और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना, ठीक है, वैसे ही रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, नीचे आ जाना और क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, डाउनलोड 64 बिट, जस्ट डाउनलोड कर देना, ऑटोमेटिक यहाँ पर डाउनलोडिंग आ जाएगा, कुछ नहीं करना जस्ट डाउनलोड के लिए जस्ट क्लिक करोगे और 1 सेकेंड के लिए आराम से तब तक व्हाट्सएप चेक करते रहना। जैसे चेक करोगे ये देखो आ गया, उसके से 20 मिनट के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा क्योंकि 1.5 GB का है, तो इसका बेनिफिट क्या है, ये हैंग नहीं करेगा। अब लोग सर इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, बहुत सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पर देखो वीडियो दिया हुआ है हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, जस्ट क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो पूरा प्रोसेस दे रखा है, ठीक है। अच्छा बात ये रहेगा कि इस सॉफ्टवेयर मतलब इंस्टॉल करने का प्रोसेस जो है इसको डाउनलोड कर लेना, इससे क्या होगा जब डाउनलोड रहेगा तो जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो रूल ये होता है कि इंटरनेट ऑन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो भाई सीधी सीधी बात है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का प्रोसेस भी जो है हमारे पास और सॉफ्टवेयर है तो इंटरनेट की ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो इंटरनेट बंद रखना और ये दोनों सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर लेना, बहुत सिंपल प्रोसेस है। इन केस यू गॉट एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, बिना शर्माए हुए मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, इवनिंग में क्या बोलते हैं, अगर मैं फ्री रहा 7 to 8 में तो मैं आपको रिप्लाई तो मैं तुरंत ही हो जाएगा, लेकिन इन केस क्या बोलते हैं कुछ प्रॉब्लम हो रही स्क्रीन वगैरह शेयर करने की, तो आई जस्ट गाइड यू एट 7:30 या 7 o'clock पे आप मुझे इवनिंग में बोल सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। ये रहा इंट्रोडक्शन, देखो इंट्रोडक्शन का फायदा ये हुआ कि कल से हमारी क्लासेस प्रॉपर चल सकती है, बिना किसी टेंशन के हमारा क्लासेस आराम से अभी स्मूथली चलेगा, आज हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। और किसी कोई डाउट है, कुछ पूछना है बिल्कुल पूछो। सर एक दो मिनट का, सर अभी सेशन छूट गया था सर, तो रिकॉर्डिंग आ जाएगी, अभी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है, अभी यूट्यूब पे आ जाएगी रिकॉर्डिंग, अपना यूट्यूब एक पर्सनल चैनल है ना गुरुकुल का, ठीक है, ठीक है, फिलहाल तो ये यूनिशियल आ जाएगा, बट जो जनरल लेक्चर्स होंगे जैसे कि बाकी लेक्चर्स तो अपने ऐप पर होंगे, पर हफ्ते में लगभग एक लेक्चर जो होता है गूगल मीट पे होता है, जैसे कि मॉक इंटरव्यू है वो सब तो इसी पे ही जीर पड़ता है ना, तो उस केस में उसका सारा लेक्चर जो है अपना सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल का पर्सनल चैनल है उसके ऊपर आ जाते हैं सारे रिकॉर्डिंग्स, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी कम्युनिकेशन का लिंक भेजूंगा, सभी लोग ज्वाइन कर लेना, 7 PM पर मैडम आपको भेजेंगी, आप कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देना, ठीक है। हाँ जी शर्मा जी बताइए। सर मैं बोल रहा था कि वो जो स्टार प्रो 5 सीरीज 5 भेजे थे ना हाँ, इंस्टॉल करने के लिए, मुझे 5 इंस्टॉल नहीं आया, तो मैं सीरीज 6 इंस्टॉल किया, तो चलेगा ना? कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर दोनों सही है, ठीक है। और सर वो रेविट वगैरह वो सब ऑटोकैड स्टार प्रो वगैरह और कुछ इंस्टॉल नहीं है?
कोई दिक्कत नहीं, आप सारे इंस्टॉल करके मत रखो, जितना इंस्टॉल करके रखोगे उतना सिस्टम स्लो होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे जरूरत पड़े वैसे वैसे करो जी सर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका सिस्टम फास्ट रहेगा। ये याद रखो कि लास्ट तक में टेकला तक इंस्टॉल होते होते ना आपके सिस्टम को भी बोलेगा यार कितना लोड दे रहे हो, ठीक है। तो इसलिए आपको सॉफ्टवेयर तभी करने हैं जब आपको रिक्वायर्ड हो, ठीक है। ठीक है सर, चलेगा। और किसी कोई डाउट है बोलो। जनरली मैं कॉल पिक्स नहीं कर पाता हूँ क्योंकि आप सब समझते हो कि अभी इसके बाद तुरंत यूनिक्स सिविल का काम स्टार्ट होगा। सर ये रैबिट रैबिट वाला जो है, तो रैबिट वर्जन कौन सा बेटर है? 2020 मुझे सबसे अच्छा लगता है, 2020 अच्छा है। किसी किसी के लैपटॉप में 2020 सपोर्ट नहीं करता है, तब सर मेरे पास 23 वाला है। हाँ तब आप 23 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटोकैड भी 23 वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी 23 है तो आपको याद करके लोअर वर्जन फाइल को भेजना पड़ेगा, है ना। okay. और जो इंस्टॉल है किसी के पास बिल्कुल उसको अनइंस्टॉल मत करना, ये मैंने उनके लिए बताया जिसके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। सारे सॉफ्टवेयर अच्छे होते हैं, सिर्फ क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा स्पीड का बैलेंसिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। जैसे 23 है अभी हाई वर्जन का है, थोड़ा सिस्टम को स्लो करेगा, ये फिक्स है, ठीक है। अब बोलोगे सर अभी तो अभी 23 यूज करते हो, मेरा यूज करना प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि अभी किसी के पास 2022 है, किसी के पास 2021 की फाइल है, तो लोअर वर्जन में कैसे खुलेगी फाइल, इसलिए मैं रखता हूँ, ठीक है। और नहीं नदीम, 2013 को थोड़ा सा आगे कर लो, 13 थोड़ा लोअर हो गया, 16 से लेके आगे तक का कोई वर्जन रखो, 16 से लेके 16 रख लो, 18 रख लो, 17 रख लो, 19 रख लो, जो वर्जन आपके लैपटॉप में सपोर्ट करे सारे कर लो। 13 क्यों हटाना है, क्योंकि 13 में जो प्रोसेस है ना थोड़ा सा रिवन पैलेट वगैरह उसका चेंज है, ठीक है। तो थोड़ा ओल्ड हो जाएगा, एक आध हफ्ता चला सकते हो बट बाद में चेंज कर लेना। और किसी कोई डाउट है, ठीक है। आपको मजा बहुत आएगा, बस इतना ध्यान देना कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना, कंसिस्टेंसी का कोई दवाई नहीं है। और वो तो मैंने बता दिया आपको कि इंटर्नशिप लेटर हो या फिर आपका जॉब के लिए हेल्प हो, सब कुछ मैं तभी करूंगा जब आप 80% के ऊपर रहेंगे तो, ठीक है। क्योंकि 80% भाई सीधी सीधी बात है, आप जब पढ़े ही नहीं रहोगे तो फिर मजा भी नहीं आएगा, आप समझ सकते हैं। मैं मेहनत नहीं करूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप मेहनत नहीं करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज तो कोई मेहनत का टेंशन नहीं है, आज से ऑटो का इंस्टॉल कर लो, एंजॉय करो। कल से हमारी क्लासेस चलेंगी मॉर्निंग में 7:30 से 9, ठीक है। अबे कुछ बोलना चाह रहे हैं बोलो भाई, ठीक। किसी और कुछ बोलना है बिल्कुल बोल सकते हो, मैं आपको खूब टाइम दूंगा, जितना आपको चाहिए। क्लास पूरा आपका रहता है आधा घंटा, आधे घंटे को आप एक घंटा भी किए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि यही मेरे पास टाइम होता है पूरा। हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ भाई, सर ये डाउट लेक्चर शाम में भी होता है ना? नहीं, डाउट लेक्चर नहीं होता है शाम में। क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई जॉब में है, ठीक है, जिसको अभी टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है, उसको 8:30 पे छोड़ के जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने अल्टरनेटिव अरेंज कर रखा है। वो तो डाउट लेक्चर तो सबका होता है ना, ठीक है, वो जो अपना सिविल इंजीनियरिंग हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। पर वो कैसे है कि जो बंदा जैसे कभी तुम मान लो जॉब में जा रहे हो, तुम्हें 8:30 तक कट टू कट निकलना है, तो तुम्हारा तो बच गया ना डाउट, ठीक है। तो उसके लिए मुझे 8:30 को ही निकलना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। तो मुझे डीएम कर देना, तुम्हारे लिए अल्टरनेटिव कर देंगे, ठीक है। ओके, तो जिसको वो जॉब का है उसके लिए वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो यार कैसे, इंसानियत किस चीज की। चलो, विल मीट यू टुमारो एंड होप सो आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, आप लोगों को भी होप सो थोड़ा मजा आया होगा, ठीक है। और किसी को कुछ और भी डाउट रहेगा तो आप डीएम कर देना, कॉल में थोड़ा कम पिक कर पाता हूँ। आप कैसे कि क्लास में हो तो मैं कॉल कर, अभी आपसे बात करते कि मेरे पास 3-4 कॉल आ गए, तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो आप मुझे जस्ट डीएम करना है, ग्रुप में भेजो सबसे अच्छा है, क्योंकि ग्रुप को मैं क्या करता हूँ, पिन करके रखता हूँ, कोई मैसेज आया देखता रहता हूँ, ठीक है। चलो, अच्छा लगा आप लोगों को, कमेंट करके बता दीजिए कैसा लगा, ठीक है। आपका आज इंट्रोडक्शन कैसा था, कुछ थोड़ा वो लगा होगा कि भाई ठीक है कुछ करेंगे भी अच्छा, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी चीज पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है। वो अगर जिसके पास है वो अपने आप ग्रो करता हुआ निकल जाएगा। और दो तरह के माइंडसेट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, मैं तो पॉजिटिव वाला इंसान हूँ, कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। चलो, कल मिलते हैं आप सबसे, और उसके बाद नदीम को भी अच्छा लगा, ठीक है, थैंक यू, जगदीप को भी अच्छा लगा है, ठीक है, ओके, बेस्ट एक्सपीरियंस चलेगा, ठीक है। अभी आप लोग जब रेगुलर करने लगोगे तो बहुत मज़ा आएगा, इसको ना हैबिट बना लेना बस। और हैबिट बनाने के लिए मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा, 3 दिन तक केवल कंटिन्यू करते जाना, 3 दिन तक, ठीक है। अभी मैं बिलीव करो, मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा इवनिंग का 5 बजे मैं जाऊँ बाहर एक्सरसाइज के लिए, क्यों, क्योंकि 3 दिन हो गया मेरा,
मेरी हैबिट में आ गया कि 5 बजे आएगा तो मैं बाहर जाऊंगा और एक्सरसाइज करके आऊंगा, तो बस ये हैबिट बना लो। हेलो सर। हेलो, हाँ जी अक्षय बोलो। हाँ सर, कल 7:30 को गूगल मीट पे ज्वाइन होने का है नहीं, आपने? ऐप में होना है उसका, अभी एक वीडियो भेज रहा हूँ तुरंत ग्रुप में, उस वीडियो को देख के ऐप में ऐड हो जाना। एक वीडियो आएगा जो ग्रुप के ऐड होने के लिए, एक वीडियो आएगा आप सॉरी एक लिंक आएगा कम्युनिकेशन ज्वाइन करने के लिए, ठीक है? कम्युनिकेशन इवनिंग में 7 to 8 कम्युनिकेशन की क्लास होती है, ठीक है? ओके सर, ओके चलेगा, चलो।